नमस्कार, मैं मानस मिश्र ऑन इनोवेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कटा प्लास्टर निकला सच। जहां साहब जो ममता बनर्जी जिस दिन चोट लगी थी नंदीग्राम में, उस दिन ही बीजेपी पर पूर्ण रूप से हमलावर हो गई थी और कह रही थी इसे बीजेपी ने मेरे ऊपर हमला करवाया। लेकिन साहब उसके बाद खुद उन्हें की पुलिस की जब रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में साफ तौर पर क्लियर हो गया कि ममता बनर्जी को कोई भी किसी भी वक्त ने या बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता ने उनको चोट नहीं पहुंचाई थी। लेकिन अब आपके सामने जो मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं वो वीडियो है, जैसा कि आप थंबनेल पढ़कर आए हैं, कटा प्लास्टर निकला सच। और महज 24 से 48 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि किसी का फ्रैक्चर कैसे 48 घंटे या 24 घंटे के भीतर सही हो सकता है जबकि उम्र उसकी 60 के आसपास हो। अब आप समझ सकते हैं 60 साल की उम्र के जो महिला है उसके जो प्लास्टर का जो क्रैक था उसके पैर का, वो 24 घंटे में ही ठीक हो जाता है। तो आज तो आपके सामने दिखाने जा रहा हूं इस कैमरे के पीछे का सच कि ममता बनर्जी ने कैसे पूरी की पूरी साजिश रची थी, वो आपके सामने कैमरे में कैद अब आपके सामने बाहर आने जा रही है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, जय श्री राम लिखिएगा कि आपने सुना होगा कि घाव पर नमक नहीं रगड़ना चाहिए, लेकिन साहब आज ममता बनर्जी के घाव पर नमक डालना जरूरी हो गया है, क्योंकि वो घाव था ही नहीं जिसको झूठा केवल और केवल जनता के इमोशन के साथ खेलने के लिए, अपने आप को स्ट्रेचर पर घूमने के लिए ममता बनर्जी ने झूठा स्वांग रचा। उस स्वांग को एक्सपोज करने वाले इस वीडियो को आप जय श्री राम लिख करके कमेंट बॉक्स में वीडियो को शेयर कर दीजिए। लिए चलता हूं खबर की तरफ, क्या है पूरी की पूरी खबर और कैसे पूरा का पूरा बवंडर मचाया गया नंदीग्राम में। हार के डर से पीके ने पूरा का पूरा जब सर्वे करा लिया, सर्वे में ममता बनर्जी की पूर्ण रूप से हार नंदीग्राम में भी दिख रही थी, इसलिए उन्होंने ये सारा का सारा साजिश रचा था। इटली की चिकित्सा व्यवस्था भी संसार हो गई कि 24 घंटे के अंदर 60 साल की उम्र के लगभग महिला के कैसे हड्डियां जोड़ दी जाती हैं। भारत ने चमत्कार कर दिया है, भारत के मेडिकल ने। हमारे देश में चिकित्सक निसंदेह काफी गुणवान और प्रतिभाशाली हैं, लेकिन ममता बनर्जी के डॉक्टर्स के तो क्या ही कहने, यह लोग इतने गुणवान और प्रभावशाली हो गए हैं कि टूटी हुई हड्डी को मात्र 24 से 48 घंटे का कम समय में सफलतापूर्वक जोड़ देते हैं और साथ ही साथ टूटे हुए प्लास्टर लगा जो वो है पैर था वो 48 घंटे के बीच ही क्लिप बैंडेज बदल दिया जाता है उसको। आपके बगल में सामने तस्वीर नजर आ रही है, ये तस्वीर है ममता बनर्जी की और ममता बनर्जी की ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। दो दिन पहले ही ये एक तरफ दिख रहा होगा आपको प्लास्टर लगी हुई तस्वीर और दूसरे पार्ट में से भी दिख रहा है, उसी फोन पे तस्वीर में दिख रहा है। देखिए कितने आसानी से ममता बनर्जी बैठी हुई है, मासूम जनता के साथ धोखा देकर के नौटंकी नंगा नाच करके ऐसे लोग सत्ता में आने का प्रयास करते हैं, उसके बाद देश की जनता के साथ धोखा करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदुओं के साथ अन्याय करते हैं, जय श्री राम के नारे पर बैन करवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग के साथ अगर जनता आज खड़ी होती है तो ऐसे लोग के साथ अगर जनता खड़ी तो अपने कुल्हाड़ी पर खुद पांव मार रहे हैं बंगाल के लोग, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके सामने सबूत है। सोचिए 24 से 48 घंटे में ऐसे कौन सा क्रैक था पैर का हड्डी का जो जुड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, ऐसा ही कुछ मैं बताऊं, ये जो सारा का सारा मामला हुआ है ममता बनर्जी केस में 48 घंटे में ही टूटा है। जब नंदीग्राम की एक रैली में ममता बनर्जी हिस्सा लेने गई थी तो बनर्जी का एक्सीडेंट हुआ था, उनके पैर में कथित रूप से जबरदस्त चोट लगी थी, वो कराह रही थी, वो चिल्ला रही थी और कुछ लोगों ने तो यहां तक अफवाह फैला दी थी कि ममता बनर्जी पर भाजपाइयों ने फौज ने हमला करवा दिया। उसका बंगाल की पुलिस ने खंडन भी किया था। इलाज के दौरान सामने आया ममता बनर्जी के पैर, बाएं पैर में बहुत बुरी तरह चोट लगी है और प्लास्टर चढ़ाना पड़ा था। लेकिन कुदरत का करिश्मा तो देखिए साहब, ममता के चिकित्सकों ने ऐसा खेल खेला कि 48 घंटे से भी कम में ममता बनर्जी की सारी हड्डियां जो थी वो जुड़ गई और उनका प्लास्टर भी हटवा कर क्रैम्प बैंडेज लगाकर वो उस पर क्रैम्प बैंडेज चढ़ा दिया जाता है। इस करिश्माई ऑपरेशन से पूरा देश अभिभूत हो गया है
और कोई ममता बनर्जी के डॉक्टर की गुणगान कर रहा है तो कोई ममता बनर्जी की तारीफों के बुल बांध रहा है। एक ट्वीट है आपके सामने, एक ट्वीट में लिखा गया है ब्रेकिंग ममता बनर्जी गेट इनटू द बुक ऑफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर रिमूविंग प्लास्टर इन सच क्विक टाइम। ट्वीट जो है ये ट्वीट ममता बनर्जी के है कि जेन्युइन वाकई में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये शामिल होगा कि 24 से 48 घंटे के बीच में 60 के पहुंचने वाली महिला के साथ उसका पैर टूटता है और पैर टूटने के बाद क्या होता है साहब, पैर टूटने के बाद वो वहां पर जुड़ भी जाता है और इसे आप गिनीज वर्ल्ड जो गिनीज बुक वाले हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले हैं वह ममता बनर्जी को ढूंढ रहे हैं कि उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया जाए, उनके डॉक्टरों को ढूंढ रहे हैं। इसकी टीम जो इटली की मेडिकल है वो सबसे टॉप पर माना जाता है, इटली का मेडिकल साइंस भी इसको लेकर के बड़ा हैरान है कि बंगाल के बंगाली डॉक्टरों ने क्या कर दिया। आपने देखा होगा, मुझे लग रहा है ये वही डॉक्टर है आपने गली गुच्छों में देखा होगा बंगाली डॉक्टर, और बंगाली डॉक्टर अक्सर झोला छाप डॉक्टर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ऐसे काम करते हैं, तो शायद बंगाली डॉक्टर नहीं झोला छाप डॉक्टर नहीं मां 24 घंटे के अंदर 60 साल की महिला के हड्डियों को जोड़ करके देश में कहीं ना कहीं देश के नाम को दुनिया में पूरी तरह से परचम लहरा दिया है। अब एक और बताऊं, उसके बाद एक के बाद एक ट्वीट आने लगे। एक ट्विटर अकाउंट से लिखा गया कि ममता बनर्जी की बुलवरीन की पदवी देते हुए कल प्लास्टर था आज क्रेप बैंडर, इसका मतलब समझें कि दीदी ही बुलवरीन है। ये एक के बाद एक लोग ट्वीट करने लगे। ममता बनर्जी के ट्वीट के बाद जब देखा गया तो वाकई में अब आप खुद कमेंट बॉक्स में लिखिए और सोचिए कि ममता बनर्जी जो कि पीके के साथ कैसे उन्होंने सेटिंग करी, पीके के साथ कैसे उन्होंने मिलकर के पूरी की पूरी स्क्रिप्ट रखी और नंदीग्राम में हार को देखते हुए वो कि उन्होंने क्या किया, ये पूरा का पूरा बाउंडर रचा और इसको पीके ने स्क्रिप्ट किया और पीके ने साफ तौर पर दिखाया अपने पुरानी, जैसे कोई अगर किसी कंपनी से काम लेने आता है तो अपनी एक सीवी लेकर आता है और सीवी दिखाता है, कहता जी साहब देखिए हमने इसको इस तरह से किया, इसको इस तरह से किया, इसको इस तरह से किया। तो ममता बनर्जी के सामने जब पीके ने अपनी सीवी रखी थी तो इसमें एक पार्ट ये भी था कि हम लोगों को चुनाव के दौरान पिटवाते हैं और पिटवाने के बाद उनसे उनको वोट बटोरते हैं, तो ये पिटवाने वाली स्ट्रेटजी होती ये ममता बनर्जी को पहले उन्होंने दिखाया। देखिए मैंने पहले केजरीवाल को पिटवाया था उनको सत्ता मिल गई थी, एक हमने साउथ को एक लीडर को पिटवाया था उनको सत्ता मिल गई थी, आज आपका मैं पैर तुड़वाऊंगा, आपको पैर नहीं तुड़वाना सिर्फ हम प्लास्टर चुड़वाएंगे फर्जी, और उसके बाद जनता का आपको इसमें क्या मिलेगा, जनता का विश्वास मिलेगा, प्यार मिलेगा, इमोशनल अत्याचार होगा जनता के ऊपर और जनता आपके नाम से नहीं आपके काम से नहीं आपके प्लास्टर पर वोट देगी और आप चुनाव जीत जाएंगे नंदीग्राम का और अपनी इज्जत को बचा पाएंगी। ये है जय श्रीराम से नफरत करने वालों का वाकई में अंत ऐसा होता है। कांग्रेस का अंत अस्तित्वहीन हो गई भगवान राम के बर्थ सर्टिफिकेट मांगते मांगते और जय श्रीराम से नफरत करते हुए ममता बनर्जी का अस्तित्व शुरू से टांग का तोड़ने का बहाना बनाया है, लेकिन वाकई में जनता जब 2 मई को परिणाम आएंगे तो असली टांग किसकी टूटेगी उस दिन समझ में आ जाएगा कि असली टांग वाकई में जनता ने तोड़ दी और मैं लंगड़ी सिर्फ बनी थी, मुझे तो पूरी तरह से हाथ पैर और सबसे लूला कर दिया है। तो इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, नहीं शेयर करेंगे आप मुझे लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि साहब आपके घर में कोई भी सरकार आएगी और आपको खिलाएगी रोटी पिलाएगी सुबह शाम का, आपको बैंक खातों में पैसे भर देगी और आप ऐश करेंगे, लेकिन साहब एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आप अपने धर्म को अस्तित्व को बचाने के लिए भटकेंगे और आपके सुनने वाला कोई नहीं होगा। वक्त बलवान होता है, समय बलवान होता है, वो वक्त भी आएगा अगर अभी आप नहीं चेते। इस वीडियो को मैं यहां खत्म करूंगा, अनुरोध करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बने रहें ऑल इंडिया न्यूज़ नेशन के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।